आज सऊदी अरब की गिनती दुनिया के सबसे धनी देशों में की जाती है। यह देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। विश्व में क्रूड ऑयल की इंडस्ट्री में आज सऊदी अरब का योगदान 17% से भी अधिक का है। इस देश की अर्थव्यवस्था का 90% से भी अधिक भाग तेल के भंडारों पर ही आधारित है। पिछले 5 दशक के दौरान इस देश ने काफी तेजी से विकास किया है। एक समय था जब यहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान ही हुआ करता था, लेकिन आज पूरे सऊदी अरब में गगनचुंबी इमारतें नजर आती हैं। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसाल आज ये देश पेश कर रहा है। महिलाओं को भी सऊदी अरब में पुरुषों की तरह ड्राइविंग का और स्पोर्ट्स में भाग लेने का मौका दे दिया गया है। सबसे सख्त कानून वाला देश आज अपने नियमों में बदलाव कर रहा है, जो समय के हिसाब से अच्छी बात भी है। आज भले ही सऊदी अरब को शेखों का देश कहा जाता है, यहाँ हर किसी के पास बेशुमार पैसा है। लोगों के पास एक से बढ़कर एक महंगी और लग्जरी कार्स हैं। यहाँ के लोगों को सोने से भी बहुत प्यार होता है। शेर और चीते जैसे जानवर शेख पालते हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले सऊदी अरब की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत थी। सऊदी अरब में तेल की खोज सन 1938 में की गई थी और उसके बाद इस देश के हालातों में सुधार आना शुरू हो गया। उससे पहले देश के हालात कैसे थे, इसके बारे में हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब की वो तस्वीरें दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। सन 1932 में किंग अब्दुल अल अजीज ने सऊदी अरब की स्थापना की थी। ये वो दौर था जब तक सऊदी अरब में तेल के भंडार की खोज नहीं की गई थी, और तेल की खोज से पहले तक सऊदी अरब का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था। यहाँ के लोग कच्चा भोजन खाया करते थे, खेतीबाड़ी के जरिए लोग अपना गुजारा करते थे। यहाँ पर सबसे ज्यादा खजूर की खेती की जाती थी। इसके अलावा लोग ऊँटों और भेड़ों का इस्तेमाल भी करते थे। आज जहाँ पर आलिशान घर बने हुए नजर आते हैं, वहाँ पर मिट्टी के टूटे फूटे मकान और झोपड़ियाँ हुआ करती थी। लोग हस्तशिल्प के काम से भी जुड़े हुए थे। इसके अलावा सऊदी अरब सहित अधिकतर खाड़ी देशों में मोती का काम भी बड़े पैमाने पर होता था। लोग समुद्र में मोती ढूंढने का काम किया करते थे। बहुत से लोग ईस्टर्न या वेस्टर्न देशों में रोजगार की तलाश में जाया करते थे, जहां वे साफ सफाई करना, गाड़ी धोने जैसा काम करते थे या फिर मजदूरी के जरिए अपना जीवन यापन करते थे। सऊदी अरब की आय का मुख्य जरिया उस समय मक्का मदीना हुआ करता था। इस्लाम धर्म के लोगों के बीच हमेशा से ही हज को लेकर एक विशेष मान्यता रही है। हज आने वाले लोगों से सऊदी अरब के लोग कमाई करते थे और कई सालों तक ऐसा ही देश में चलता रहा। पानी के थोड़े बहुत कुएं लोगों के घरों में हुआ करते थे, लेकिन रेगिस्तान होने के कारण वे सभी कुएं धीरे धीरे सूखने लगे थे। अभी तक देश में अधिकतर जगह बिजली तक नहीं पहुंच पाई थी। सन 1950 तक भी सऊदी अरब के हालात बहुत ज्यादा नहीं सुधरे थे, क्योंकि इस साल अमेरिका के एक बड़े डॉक्टर अब्दुल अल अजीज के इलाज के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे। डॉक्टर क्रेन एक डॉक्टर तो थे ही, साथ ही उन्हें फोटोग्राफी का भी बड़ा शौक हुआ करता था। वे हमेशा अपने साथ एक कैमरा रखा करते थे। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि सोते समय भी उनके गले में कैमरा रहता था। अब्दुल अल अजीज के इलाज के लिए जब वे सऊदी अरब गए थे, तो उन्होंने इस देश की कई तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की थी। उनमें से कुछ फोटोज आज भी उपलब्ध हैं। इन फोटोज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सऊदी अरब के हालात उस समय कैसे हुआ करते थे। तस्वीरों में लोग ऊँटों पर सामान लादते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि ये सऊदी अरब की पहली रंगीन तस्वीरें भी थी। हालांकि इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें देखकर काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। लोग उस समय फुटपाथ और सड़कों पर दुकानें लगाया करते थे और सामान बेचा करते थे। हालांकि बहुत ज्यादा व्यापार उस समय सऊदी अरब में नहीं हुआ करता था। एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुंचाने के लिए टैंकर्स का इस्तेमाल किया जाता था। लोगों ने मिट्टी की बजाय पत्थर के घर बनाने शुरू किए थे। सड़कों के हालात बहुत खराब थे। लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ता था। अधिकतर लोग उस समय अनपढ़ थे। वे कबीलों में रहा करते थे। वे अपने खाली समय में मनोरंजन के लिए बाजों के साथ खेला करते थे या फिर शिकार पर निकल जाया करते थे। बहुत अधिक संसाधन भी उस समय सऊदी अरब के लोगों के पास नहीं थे। जैसे तैसे लोग बस अपना गुजारा करते थे। लेकिन 1976 के बाद सऊदी अरब के हालात बदलने शुरू हुए, जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की मांग में तेजी आई। सऊदी अरब ने अपना उत्पादन बढ़ाया और देश में आर्थिक व सामाजिक सुधारों की ओर ध्यान देना शुरू किया। लेकिन इस दौरान सऊदी अरब ने कई गलतियां भी की। पैसा आते ही सऊदी अरब की सरकार ने लोगों को खाने पर सब्सिडी देनी शुरू कर दी थी। अधिकतर लोग देश में तेल निकालने के काम से जुड़ने लगे थे और इसके आगे की स्थिति आज सबके सामने है।
आज सऊदी अरब जिस मुकाम पर खड़ा है वहाँ तक का सफर भी आसान नहीं रहा है। तुर्कियों के साथ अक्सर सऊदी अरब की दुश्मनी देखी जाती है और ये दुश्मनी आज की नहीं है बल्कि सैकड़ों सालों से चली आ रही है। 7वीं शताब्दी के दौरान मिडल ईस्ट के देशों में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार काफी जोरों शोरों से किया जा रहा था और लोग बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म कबूल कर रहे थे। धीरे धीरे अरब लोगों की एक अलग पहचान बनने लगी थी। हालांकि ये पहचान अमीर गरीब की नहीं थी बल्कि सऊदी अरब अपने किंगडम का विस्तार कर रहा था। अधिकतर तौर पर सन 1944 में सऊदी अरब ने अपने पहले किंगडम्स की शुरुआत की थी। आदिवासी शासक मोहम्मद बिन सऊद ने एक धार्मिक नेता मोहम्मद बिन अल वहाब के साथ मिलकर एक संगठन शुरू किया। सन 1786 में सऊदी अरब ने अपने विजय मिशन की शुरुआत की और मक्का मदीना को जीत लिया। इसमें वहाबी आंदोलन की भूमिका भी काफी अहम रही थी लेकिन 1816 में ऑटोमन अम्पायर ने सऊदी अरब पर कब्जा कर लिया और पहला सऊदी किंगडम समाप्त हो गया। दूसरा सऊदी किंगडम सन 1824 से लेकर 1866 तक चला था और एक बार फिर ऑटोमन अम्पायर ने रियाद सहित अन्य इलाकों पर कब्जा कर लिया। सन 1902 में अब्दुल अल अजीज ने केवल 40 साथियों के साथ मिलकर रियाद को वापस अपने कब्जे में ले लिया। इस समय तक ऑटोमन अम्पायर काफी कमजोर पड़ गया था। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सऊदी अरब ने अपने देश में तेल के ठिकानों की खोज करनी शुरू की। सन 1922 में न्यूजीलैंड के माइनिंग इंजीनियर मेजर फ्रैंक होलमेस को ईस्टर्न पार्ट में तेल की खोज करने की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। सन 1925 में अमेरिकन इंजीनियर कार्ल ट्विच हेल ने भी सऊदी अरब में तेल के स्रोत ढूंढने की कोशिश की। वे अपने मुकाम में सफल तो नहीं हुए लेकिन तेल के बड़े बड़े भंडार होने के सबूत उन्होंने दे दिए थे। 1932 में बहराइन में तेल के भंडार खोज लिए गए थे जिसके बाद सऊदी अरब में भी तेल के भंडार ढूंढने का काम तेजी से आगे बढ़ाया गया। 1934 में जुबैल में जियोलॉजिस्ट की टीम ने तेल खोज निकालने का काम दोबारा शुरू किया लेकिन अंत में सफलता सन 1938 में अमेरिका की एक कंपनी को मिली। डैमम ऑयल फील्ड में पहली बार सऊदी अरब में तेल के भंडार खोजे गए थे। आज ये जगह दाहरन के नाम से पहचानी जाती है। सन 1939 में तेल के ट्रांसपोर्ट के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ और 1944 में अरामको कंपनी को तेल निकालने की सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई। आज के समय में सऊदी अरब के पास कितना तेल का भंडार मौजूद है इसका सटीक आंकड़ा किसी के पास नहीं है क्योंकि सऊदी अरब इस तरह की सभी फाइलों को काफी गोपनीय रखता है। हालांकि सऊदी अरब के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उनके पास 250 बिलियन बैरल तेल अब भी मौजूद है लेकिन इन आंकड़ों को पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता क्योंकि 1987 में सऊदी अरब ने कहा था कि उनके पास 170 बिलियन बैरल तेल का भंडार मौजूद है और 1989 में सरकार ने ये आंकड़ा बढ़ाकर 260 बिलियन बैरल कर दिया था। रिपोर्ट्स की माने तो 2016 तक सऊदी अरब अपने देश से 94 बिलियन बैरल तेल निकाल चुका है और आज हर रोज सऊदी अरब 10 मिलियन बैरल से अधिक तेल निकाल रहा है। इस लिहाज से उनके पास तेल का कुल कितना भंडार मौजूद है ये स्पष्टता के साथ नहीं कहा जा सकता। सऊदी अरब अभी तक तो आलिशान और लग्जरी लाइफ के लिए माना जाता है लेकिन जल्द ही सऊदी अरब की खुशियों में खलल पड़ सकता है क्योंकि दुनिया के कई देश पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं और अगर सऊदी अरब से देश तेल खरीदना बंद कर देंगे तो इस देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए सऊदी अरब ने अपने देश में टैक्स सिस्टम लागू कर दिया है। विजन 2030 मिशन लॉन्च किया है। एजुकेशन और टूरिज्म को बढ़ाने की ओर सऊदी अरब काफी ध्यान दे रहा है। उदाहरण के तौर पर दुबई को देखा जा सकता है। आज दुबई की केवल 2% अर्थव्यवस्था ही ऑयल इंडस्ट्री पर निर्भर है और अधिकतर पैसा दुबई अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री से कमा रहा है। IMF ने सऊदी अरब को सलाह दी है कि वे अपने खर्चे कम करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर अधिक ध्यान दें। अब देखना होगा कि आखिर सऊदी अरब किस तरह तेल पर निर्भरता कम करता है और अन्य सेक्टर्स की तरफ ध्यान देता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप समझ गए होंगे कि तेल के मिलने के बाद किस तरह सऊदी अरब की काया पलट हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।